दो गाड़ियां चेंज करनी, क्योंकि जे जे भाई डॉन एक गाड़ी में जब बैठते हैं तो वो किसी के बैठने का काबिल नहीं रहते, उतरने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो अपनी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, और आप देख रहे हैं अपना चैनल जो हम लोगों ने बनाया है आपके लिए, और ये हैं जेजे भाई डॉन, अस्सलाम वालेकुम, ये हैं बटी भाई, अस्सलाम वालेकुम, और मैं हाफिज भाई, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो है जी इंडिया की शादियों में कुछ ऐसे इंसिडेंट जिनको देख के इंसान कहता है यार क्या इंसिडेंट हुए थे, कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, आज उस पर वीडियो है, वीडियो देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, फ़नी वीडियो है, तो जेजे भाई को वैसे बड़ा शौक है फ़नी वीडियो देखने का, सही बात है, और भट्टी भाई तो वैसे बहुत बड़े फ़ैन हैं फ़नी वीडियो का, वो खुद एक फ़नी है, एक फिल्म है कमाल की, लेटेस्ट मूवी, क्योंकि ये दृष्टि पर ये महान हस्ती जब इस दृष्टि पर आई तो इस दृष्टि का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी जी भट्टी भाई, वीडियो की तरफ चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और ये मेरे इंतहाई प्यार मोहब्बत वाले, चलो आओ वीडियो देखें, इनको आप लाजमी पसंद कीजिए, चलो आओ वीडियो देखें, चलिए वीडियो देखते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, जब हमने जब हिंदी बोली तो भट्टी भाई और जेजे भाई से हंसी रोकी नहीं गई, क्योंकि जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो फिर हम क्या बोलते हैं हमें खुद नहीं पता चलता, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। चले वीडियो देखते हैं, वीडियो में हम आपको कुछ हट कर दिखाने वाले हैं, कुछ खास दिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि शादियों में ना चाहकर भी कई बार ऐसे फनी इंसिडेंट हो जाते हैं जो जाने अनजाने पूरी जिंदगी हंसी का कारण बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ शादियों के हंसाने वाले पल। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि यहां सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, दूल्हा भी खुश है और दुल्हन भी, और दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के सपने भी बुन रहे हैं। तभी दूल्हा अपनी बगल में खड़े शख्स को कहता है, ऐसे ही जयमाला कर लेंगे, लेकिन वो आदमी दूल्हे की एक नहीं सुनता और उसको उठा लेता है, और वहीं दूसरी तरफ दुल्हन बेचारी अकेली रह जाती है, और तभी एक आदमी आकर दुल्हन को भी उठा लेता है और उनकी जयमाला भी हो जाती है, लेकिन तभी दुल्हन एकदम पीछे मुड़कर उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर इस आदमी ने अपना गुस्सा पास में ही खड़ी अपनी बीवी को थप्पड़ मारकर उतार दिया। अब इनसे मिलिए, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो इसलिए कि ये अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल रही हैं। ये देखिए कैसे लड़की इन्हें माला पहनाना चाह रही है, लेकिन ये है कि झुक ही नहीं सकते। बेचारी इनकी दुल्हन ने जैसे तैसे इनको माला पहनाई। अब जब इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बारी आई तो इसने माला पहनाने की जगह उसे लड़की के ऊपर ऐसे फेंक दिया जैसे मानो बास्केटबॉल खेल रहा हो। वाह भाई क्या निशाना यार। अब जब बारी मीठा खाने की आई तो मानो ऐसा लग रहा था इस लड़के को जैसे कोई नीम का पत्ता खिला रहा हो। इसने तो कुछ खाया ही नहीं, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने लड़की के मुंह में ऐसे लड्डू डाला कि वो बेचारी जमीन पर ही गिर गई। शादी से पहले इनका ये हाल है तो भगवान ही मालिक है इस शादी के बाद इनका क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा आराम से दुल्हन को बरमाला पहनाता है, और जैसे ही दुल्हन की बारी आती है तो देखिए कैसे दुल्हन चेहरे को बरमाला पहना देती है, और तभी दूल्हा बरमाला उठाकर फेंक देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये मैडम आज की तारीख में तो इसे माला पहनाने से रही। अब ये देखिए, ये दिल्ली की शादी, लड़का लड़की तैयार हैं और एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए सभी रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं, सभी खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं। जब लड़की ने लड़के को माला पहनाई तो लड़का कूद रहा था, वो लड़की को परेशान करना चाह रहा था, लेकिन लड़की जीत गई और उसने एक ही बार में निशाना लगाकर माला पहना दी। अब बारी लड़के की थी, लड़के को माला पहनाना था, लेकिन लड़की ने भी जंप मारने का प्रयास किया और वो स्टेज से सीधी नीचे गिर गई। क्या सोचकर कूदी थी ये लड़की, शायद हाई जंप मारने की कोशिश कर रही होगी बेचारी,
जरा एक बार फिर से देख लीजिए, हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाएगा। मालिश ही करेगा। दोस्तों जैसा कि हर शादी में होता है, जब रिश्तेदार बोलते हैं तभी जयमाला की रस्म शुरू की जाती है और यहाँ पर रिश्तेदारों के बोलने पर ही दुल्हन अपना हाथ उठाती है। लेकिन लगता है कि मैडम सस्ता नशा करके जयमाला में खड़ी हो गई है। ये देखिए हिलते ही गिर गई। सामने देखिए, अब आप माला पहनाइए शांति से। आधुआ सामने देखिए, अब ये देखिए लड़का लड़की स्टेज पर है, शादी की तैयारियां जोरों पर है, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन वीडियो में साफ पता चल रहा है कि लड़की इस शादी से शायद खुश नहीं है। पहले तो बिना मन से लड़की लड़के को मिठाई खिलाती है, जिसे वो मना कर देता है। भाई ये भी दूल्हा राजा है, आज तो इसका भी दिन है। फिर वो खुद ही मिठाई उठाकर खाने लगता है। अब बारी आती है जयमाला पहनाने की। ये देखिए लड़की ने तो लड़के को माला आराम से पहना दी, लेकिन जब दूल्हे राजा माला पहनाती हैं तो माला लड़की की गर्दन से नीचे गिर जाती है। सब परेशान है, लड़के के मन में बहुत तरह की बातें चल रही है। एक बार फिर से ये माला पहनाता है और माला एक बार फिर से लड़की की गर्दन से नीचे गिर जाती है। हाँ यही तो होना था। जरा देखिए लड़का कितने गुस्से में दिख रहा है, वहीं लड़की भी उसे कोई भाव नहीं दे रही है। न जाने शादी के बाद क्या होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ जयमाला लेकर लड़का लड़की दोनों तैयार है। भाई लड़की ने लड़के को जयमाला पहना दी, अब भारी लड़की की है कि वो लड़की को जयमाला पहना दे। जैसे ही जयमाला पहनाने वो गया, भाई ये क्या, इसने तो लड़की की जगह उसकी सही गले में जयमाला डाल दी। और ये क्या, ये कैसे हो सकता है। इस हरकत के बाद जरा इस लड़के को देखिए कैसे नाटक कर रहा है, जैसे कि गलती हो गई हो। लेकिन शादी तो अब होने वाली दुल्हन की सहेली से ही करूंगा। खैर कैसे कैसे लोग होते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। दोस्तों क्या आप किसी ऐसी शादी में गए हैं जहां पर इस तरह की कोई घटना घटी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इन जयमाला की वीडियोस में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बेहद जरूरी ना भूलें। भाई जी वीडियो देखी, वीडियो बड़ी कमाल दी, बारीक वाकई ही बड़ी फनी है। कहते सब तो अच्छी जी वीडियो लगी ना वो स्केच बनाया था ना बंदे का, स्टैचू बस ओ सी यार जरा अपनी जगह एक इंच नहीं हिल लिया ऐदा करके माला ऐदा करके है वो खिला दे बस ऐसे खड़ा। यार की शादी ब्याह बंदा अपने खुश हों वा, ये किस तरह शादियाँ है जिंद च रंग च भंग पै जी यार है। हालांकि दुल्हा बड़ा खुश हों वा, दुल्हन बड़ी खुश हों, हूँ एक देखो तीन बार सूरत होती है जिम्मे दोवे ला दी हो लव मैरिज हो लव मैरिज तो हट के भी यार अगर अरेंज मैरिज घर वाले भी मर्जी होंगी ना, मगर बड़ी हंसी खुशी ने शादी होंगी है ठीक है ना। मगर ये देख लो पट्टी भाई की शादी से पता चले हूँ लड़का अपनी बेगम देखो कि परेशान थी पट्टी अब शादी से ना खिल खिला गया तो और लड़का भाई जो दो बार माला होंगे तो भाई वो इन्नी उन्हें गर्दन इस तरह रखी कि माला टेक माला टेक दिखनी सी तो साड़ी पाई हुई तो ऐ करके वो इंज पढ़ल करके थले आए यार वाकई यार बाकी बड़ी फनी मूवी यार जी। ये वीडियो इतनी खास नहीं थी, ये सिर्फ फनी मोमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। यार कमाल है यार, ऐसी एंजाइटी और डिप्रेशन के टाइम में जो है ना कुछ थोड़े से फनी मोमेंट्स होने चाहिए। हाँ जी तो तुम फनी जरा हंस के गल करो ना जी। और एक हम आपके लिए एक और फनी मोमेंट लाएंगे जब हम आपके सामने जे भाई की मैरिज का कुछ पार्ट शो करेंगे और कुछ आने वाले वक्त में भाटी भाई के। हाँ और उसके उससे पहले हम दोनों से पहले हम सफाई आपको बताएंगे
अपने बारे में। हाफिज भाई आपको बताएंगे कि जे जे भाई डॉन की जब शादी हुई तो जे जे भाई डॉन ने आज रास्ते में बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया। जे जे भाई ने बीच रास्ते में गाड़ी से उतर गए, सारे परेशान, इसके घर वाले परेशान, यार ये क्या हो गया, जे जे भाई ने इनकार कर दिया शादी से, सारे परेशान थे। फिर आखिर हमें पता चला भाई जे जे भाई डॉन के अपने एक महान अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उनके ख़ास फ्रेंड में उस टाइम ये भट्टी भाई भी थे, इनके साथ इनकी शर्त लगी हुई थी, बैटल लगी हुई थी कि आपने वहाँ पे पहुँचने से पहले दो गाड़ियाँ चेंज करनी, क्योंकि जे जे भाई डॉन एक गाड़ी में जब बैठते हैं तो वो किसी के बैठने के काबिल नहीं रहते, उतरने का नाम ही नहीं लेते, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो अपनी। अच्छा जी, ये फनी मूवी शादी थी। यार शादी में बड़े एंजॉयमेंट होती है यार, हम इस वजह से कह रहे हैं कि हमने अपनी शादी में हमने बड़ी एंजॉयमेंट की है, दोस्तों के साथ गपशप लगाई और अपनी बारात पे बड़ा कुछ किया, शुगल मेला किया, ठीक है ना। ऐसे ही अब हम इंशाल्लाह ताला भट्टी भाई की जब शादी होगी तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छा खासा डांस करेंगे और पार्टी करेंगे और विस्की वगैरह जाम चलेगा, सारा कुछ चलेगा। भट्टी भाई को हमने सारी रात कहीं जाने नहीं, जाने नहीं देना, और उसके जब बारात आएगी तब भी हमने कहीं जाने नहीं देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपको किया, वीडियो भी कुछ इस तरह की थी, तो थोड़ा एंजॉय करना चाहिए यार, एंजॉय करना चाहिए।